हेलो बच्चों, तो अब हम लोगों का टॉपिक है अगला मेजरमेंट्स एरर्स। तो आज के टॉपिक में आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, नंबर्स को ऐड सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, मतलब अर्थमेटिक्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे पहचानना है। एरर्स जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसमें एरर्स क्या है, नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जाम्स के लिए और इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं। वैसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो लैब एग्जाम्स हैं या नॉर्मल जितने एग्जाम्स हैं, नीट आईआईटी बोर्ड के एग्जाम, तो उन सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके जो मैंने टॉपिक्स के नाम लिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उनके अर्थमेटिक्स, राउंड ऑफ करना, एरर्स, मेजरमेंट, तो ये सब आपस में कोरिलेटेड टॉपिक हैं और यहां पर कुछ रटना नहीं होता है। तो जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे और हमें कोई भी रूल रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में जब चीजें समझ में आती हैं तो रटने का स्कोप कम होने लगता है। और हमें फिजिक्स में अगर कहीं भी रटना पड़ रहा है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें वो पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। जैसे हम लोगों ने बात करी थी यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या है, एक रेफरेंस मेजरमेंट है कि कोई भी मेजरमेंट उस यूनिट वैल्यू का कितने टाइम्स है। यूनिट्स क्या थी, हम लोग कुछ आर्बिटरी वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं और उसी के कंपैरिजन में सारे मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे ये डिस्कस करने की कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, मतलब मीनिंगफुल डिजिट्स, इन्हीं को बोलते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं उन सारे रूल को रटाने से बेहतर समझता हूं कि उस कॉन्सेप्ट को समझ लो तो कभी हमें रूल रटने नहीं पड़ेंगे। उनकी जो अर्थमेटिक्स है उसका भी कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो उसको भी रटना नहीं पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि जैसे हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट कहां तक कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, इन सारी बातों को हमें समझना है। तो पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं जो सबके लिए कॉमन होगा। जैसे हम लोग सामान तौलाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो मैंने एक तराजू ले लिया, एक बैलेंस, अगर पूरा लेक्चर ठीक से समझ लोगे तो कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। और रटी रटाई चीजों में बहुत बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि रटी रटाई चीजें दिमाग से बहुत जल्दी वॉश हो जाती। और केवल इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी फिजिक्स को अगर बहुत आसानी समझना है, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस तो वास्ट है, तो हर चीज को रट के मेमोराइज करके फिर उसको परफॉर्म करके एग्जाम में चले आना, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। और इसीलिए हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है अगर हम चीजों को रट रट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक तराजू ले लिया और मेरे पास सपोज कोई एक ब्लॉक था, कोई भी एक ब्लॉक मान लेता हूं। सपोज मेरे पास ये लैपटॉप है और मुझे इसका वेट मेजर करना है। तो जब वेट मेजर करते हैं तो एक साइड पर मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, ये लैपटॉप रख दिया, दूसरी साइड पर क्या रखते हैं, रेफरेंस वेट्स रखते हैं। तो मैंने सपोज अपना एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट किया, तो मेरे पास केवल जो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, यहां से हमको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। पूरा चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, ये नहीं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे,
अर्थमेटिक्स अलग तरीका होगा, एक्यूरेसी प्रिसीजन अलग तरीका है, एरर्स, लीस्ट काउंट एरर्स अलग तरीका है, सब कनेक्टेड। अगर ये समझ में आएगा तो सारी बातें क्लियरली समझ में आएंगी। तो जो मैंने पहली बार मेजर करना स्टार्ट किया तो मेरे पास केवल 1 किलोग्राम की वेट थे, 1-1 किलोग्राम के बाट है मेरे पास, और इसके अलावा कुछ नहीं है, ना कोई 100 ग्राम का है, ना 10 ग्राम का है, ना 1 ग्राम का है, ना 10 किलोग्राम का है। तो मैंने क्या किया, जब इसका वजन, अगर मैं साइड पर बाट नहीं रखता हूं, वेट नहीं रखता हूं, तो ये वाली जो साइड है वो नीचे रहेगी और ये वाली साइड ऊपर रहेगी। तो मैंने यहां पर एक एक करके वेट रखना शुरू किया। तो जो पहला वाला केस था उसमें मैंने इस साइड पर वेट रखना शुरू किया। पहले मैंने एक रखा होगा, तो जब एक रखा तो देखा कि जिस साइड पर लैपटॉप रखा था वो वाला पार्ट नीचे और जिस साइड पर वेट रखे थे ऊपर था। इसका मतलब लैपटॉप अभी भी 1 किलोग्राम से ज्यादा भारी है। तो फिर मैंने 1 किलोग्राम और रख दिया, अब हो गए 2 किलोग्राम। फिर मैंने चेक किया कि लैपटॉप वाला जो पार्ट था वो अभी भी नीचे और ये अभी भी ऊपर है। तो हम लोग तब तक वेट रखते चले जाएंगे जब तक ये वाला पार्ट नीचे नहीं होने लगेगा। तो मैंने सपोज इसी सीरीज में मैंने 4 वेट रख दिए, 4 1 किलोग्राम के 4 वेट रख दिए। तो जब तक मैंने 4 रखे थे तब तक वेट वाला पार्ट ऊपर था और लैपटॉप साइड वाला जो पार्ट था, पलड़ा बोलते हैं इसको, वो नीचे। मतलब लैपटॉप का वेट 4 किलोग्राम से ज्यादा है। तो मैंने फिर 1 किलोग्राम और रख दिया, लेकिन जैसे मैंने 1 किलोग्राम यहां पर और रख दिया तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि जिस साइड पर वेट रखे थे वो नीचे चला गया और जिस साइड पर लैपटॉप रखा था ऊपर चला गया। तो मैं बोल सकता हूं कि लैपटॉप का वेट 4 किलोग्राम से ज्यादा है और 5 किलोग्राम से कम है, लेकिन हमारे पास इससे अच्छा मेजरमेंट भी नहीं है क्योंकि केवल किलोग्राम की वेट अवेलेबल थे। तो मैं अपना जो आंसर लिखूंगा, जो यहां पर मेजरमेंट आएगा, तो वो मेजरमेंट मैं सिंपली लिखूंगा 4 किलोग्राम। मैंने बोला इस एक्सपेरिमेंट को समझोगे तो जो कुछ भी इस चैप्टर में वो सब समझ में आएगा, नहीं तो सब कुछ अलग अलग रटना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, अर्थमेटिक्स क्या है, एरर्स क्या है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो सारी चीजें इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ में आएंगे। तो जो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट से जो हम लोगों का रिजल्ट आ गया, दैट इज 4 किलोग्राम। तो जो हम लोगों का 4 नंबर है, जो भी मैंने 4 लिखा है, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। दिस 4 इज अ मेजर्ड वैल्यू। और इस वैल्यू में अनसर्टेनिटी है क्योंकि हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इस लैपटॉप का वेट 4 किलोग्राम तो नहीं है, 4 किलोग्राम से ज्यादा है, लेकिन 5 किलोग्राम से कम है। तो हम लोगों ने इसको 4 लिख दिया है। तो मैंने फिर कोशिश करी कि वेट और अच्छा मेजर किया जाए। तो जब वेट को और अच्छा मेजर करने की कोशिश करी तो फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब हम लोगों के पास जो सेट था तो उस सेट में अब की बार 1 किलोग्राम के वेट्स भी थे और 100 ग्राम्स के वेट भी है। अब की बार थोड़े छोटे वेट और ऐड कर लिए, 1-1 किलोग्राम के भी थे और 100-100 ग्राम के भी काफी वेट्स थे। तो ये तो पता है कि किलोग्राम्स वाले वेट हमें केवल 4 रखने, 5वां रखेंगे तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। तो अब की बार मैंने फिर वही प्रोसेस रिपीट किया और 1 किलोग्राम के 4 वेट यूज किए, फिर 100-100 ग्राम के वेट रखना शुरू किया।
तो 100 ग्राम के हम लोगों ने सपोज रखे 7 वेट्स, तो जब मैंने 7 वेट रखे 100 ग्राम के, तो देखा कि जो लैपटॉप वाली साइड थी वो नीचे थी और वेट वाली साइड ऊपर, तो इसका मतलब है कि अभी भी लैपटॉप इस सिचुएशन में वेट से भारी है, हैवी है। लेकिन जैसे मैंने 8 रख दिए 100 ग्राम्स के, तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, लैपटॉप वाला पार्ट ऊपर हो गया और ये वाला पार्ट आ गया नीचे। इसका मतलब इस लैपटॉप का वेट 4 किलोग्राम प्लस 700 ग्राम से ज्यादा है, लेकिन 4 किलोग्राम प्लस 800 ग्राम से कम है। तो हम लोग इस लैपटॉप के वेट को अब लिखेंगे 4 किलोग्राम प्लस 700 ग्राम, मतलब अब की बार हम लोगों का जो मेजरमेंट आएगा वो मेजरमेंट। अब की बार वो मेजरमेंट जो आ गया दैट इज 4.7 किलोग्राम, 100 ग्राम इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि इन दोनों मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है, तो बोल सकते हैं कि दूसरा मेजरमेंट ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट मेजरमेंट, क्योंकि दूसरे मेजरमेंट में एक प्लेस तक और वैल्यू पता चल गई, रिजल्ट में और ज्यादा क्लियरिटी आ गई। बाद में यहीं से डिफाइन करेंगे एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी का मतलब हुआ करेगा कि हमारा जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल रिजल्ट के कितना ज्यादा क्लोज है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक साथ पढ़ते चलेंगे। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो हमने मेजरमेंट किया वो एक्चुअल रिजल्ट से कितना क्लोज है, जितना ज्यादा क्लोज उतना ज्यादा एक्यूरेट। इसका मतलब जब हम लोगों ने 100 ग्राम के वेट ले लिए तो हमारा रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट हो गया, एक्चुअल रिजल्ट के ज्यादा क्लोज पहुंच गए। फिर मैंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट को और बढ़ाया जाए और ज्यादा एक्यूरेट बनाया जाए। फिर बात करेंगे प्रिसीजन की भी करेंगे। तो अगला जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया सी एक्सपेरिमेंट, तो मैंने अब की बार एक एक किलोग्राम के वेट भी रखे, 100 ग्राम्स के भी वेट रखे, और अब की बार 10 ग्राम के वेट्स भी अवेलेबल है हम लोगों के पास। अब की बार हम लोगों के पास तौलने के लिए कौन कौन से वेट्स हैं, 1 किलोग्राम, 100 ग्राम और 10 ग्राम के वेट्स भी। 100 ग्राम का मतलब 0.1 केजी है, 10 ग्राम का मतलब 0.01 केजी। तो ये तो पता है कि हमें किलोग्राम के 4 रखने हैं, ये भी पता है कि 100 ग्राम के 7 रखने हैं, 10 ग्राम कितना रखना है ये चेक करना है। तो मैंने 1 केजी के 4 रख दिए और 100 ग्राम के 7 रख दिए, और सबसे पहले चेक किया कि 10 ग्राम का 1 रखा, तो जैसे 10 ग्राम का 1 रखा वेट वाला पार्ट सपोज नीचे आ गया और लैपटॉप साइड ऊपर चली गई। इसका मतलब इस लैपटॉप का वेट 4 किलोग्राम प्लस 700 ग्राम प्लस 10 ग्राम से कम है, लेकिन 4 किलोग्राम प्लस 700 ग्राम से ज्यादा है। तो जैसा हम लोग मेजरमेंट कराते हैं उसके हिसाब से हमें अब की बार 10 किलोग्राम का कोई 10 ग्राम का कोई भी वेट यूज नहीं करना पड़ा, मतलब 0 यूज करने पड़े। तो अब की बार अगर पूछा जाए कि मेजरमेंट क्या होगा, तो इस केस में जो मेजरमेंट आएगा, तो 4 किलोग्राम तो हम लोगों ने यूज किया था, फिर 700 ग्राम भी यूज किया था 0.7, लेकिन 10 ग्राम का 0 यूज करना पड़ा, इसका मतलब 4.70 किलोग्राम। अब जो रिजल्ट आ गया वो और अच्छा रिजल्ट आ गया, और ज्यादा एक्यूरेट हो गया, और इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को आगे और बढ़ाते हैं तो और छोटे वेट यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक 1 ग्राम का भी ऐड कर देते हैं। तो जो डी पार्ट में हम लोग लेते हैं तो थोड़े से वेट और ले लेते हैं, 1 किलोग्राम की वेट्स हैं, 100 ग्राम्स की वेट्स भी हम लोगों के पास है,
10 ग्राम के वेट्स में, और अब की बार हम लोगों ने 1 ग्राम के वेट्स और ले लिए। अब इस मेजरमेंट को करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि 1 किलोग्राम के 4 लिखने, 100 ग्राम के 7 रखने, 10 ग्राम का कोई भी वेट नहीं रखना है, मतलब 0 रखने। तो जब हम लोगों ने 4 1 किलोग्राम के रखे, 7 100 ग्राम के रखे और कोई भी 10 ग्राम का नहीं रखा, उस केस में जो ऑब्जेक्ट की साइड थी वो नीचे थी और जो वेट वाला साइड था वो ऊपर था। तो हम लोग चेक करते हैं कि 1 ग्राम के वेट कितने रखे हैं ताकि नीचे आना शुरू हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मान लिया कि 1 ग्राम के जब हम लोगों ने 3 रखे तो सिचुएशन ऐसी थी, और जैसे 4 रख दिए तो ऐसे हो गए। तो 3 ग्राम से ज्यादा है लेकिन 4 ग्राम से कम है, इसका मतलब हमें 1 ग्राम के कितने लेने, केवल 3 लेने। और 3 लेने तो अब की बार का जो मेजरमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4.703 किलोग्राम। 4.703 किलोग्राम। और भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड करना चाहें, तो सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट को और एक्सटेंड किया 1 केजी के वेट पे, 0.1 केजी मतलब 100 ग्राम के वेट, 0.01 केजी मतलब 10 ग्राम के थे, 0.001 केजी मतलब 1 ग्राम के थे। एक और वेट मान लेते हैं 0.0001 केजी, और इसमें वही सिचुएशन आई कि हमें 0.0001 केजी का कोई भी वेट नहीं रखना पड़ा। तो अगला जो मेजरमेंट आ रहा होगा वो आ जाएगा 4.7030 किलोग्राम। और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन है कि क्या एरर्स होंगे इन मेजरमेंट में, क्या हम लोग इन एरर्स को कभी खत्म कर सकते हैं, क्या कोई मेजरमेंट परफेक्ट हो सकता है? तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डेसिमल के बाद बहुत सारे प्लेसेस हैं, और डेसिमल के बाद अगर बहुत सारे प्लेसेस हैं इसका मतलब ये मेजरमेंट इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, उस मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर एग्जिस्ट करेगी। बस डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या था और क्या वो पर्पस फुलफिल हो रहा है, कि डेसिमल के एक प्लेस तक वैल्यू निकालनी, 2 प्लेस तक निकालनी, 3 प्लेस तक निकालनी, जिससे हमारा काम चल जाए। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब यहां से समझते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, और सिग्निफिकेंट इन्हीं को बोलते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहां से हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल बना सकते हैं। अब ये बात समझ में आ गई होगी तो इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। याद रखने की जरूरत है कि जो हम लोगों ने मेजरमेंट करे थे उनकी वैल्यूज क्या थी। सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो मेजरमेंट किए थे हम लोग वो लिख लेते हैं। पहला मेजरमेंट था 4 किलोग्राम, दूसरा मेजरमेंट था 4.7 किलोग्राम, तीसरा मेजरमेंट था 4.70 किलोग्राम, नेक्स्ट मेजरमेंट था 4.703 किलोग्राम, और
जो लास्ट मेजरमेंट था 4.7030 किलोग्राम। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का या सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब है कि मीनिंगफुल डिजिट्स। इस सिग्निफिकेंट का मतलब है मीनिंगफुल, और मीनिंगफुल का मतलब क्या है? जिन्हें मेजर किया गया हो, जो वैल्यूज मेजर की जाती है, 2000 क्वाड सिग्निफिकेंट। तो जो जो वैल्यू हम लोगों ने मेजर करी उससे हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब उनका मीनिंग होगा 2000 कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो फिलहाल जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट में मैंने वही वैल्यूज लिखी हैं जिनको हम लोगों ने मेजर किया। जैसे जो पहला मेजरमेंट था तो उसमें जो नंबर मैंने 4 लिखा हुआ है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि इस 4 को तो मेजर किया गया। दूसरे मेजरमेंट में जो 4 था वो भी मेजर किया गया, 7 उसको भी मेजर किया। तो दूसरे नंबर, दूसरे मेजरमेंट में 4 का भी मीनिंग है और 7 का मीनिंग है। इसका मतलब 4 और 7 दोनों मीनिंगफुल डिजिट्स है। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब बात करते हैं कि जो तीसरा मेजरमेंट था, तीसरा मेजरमेंट था 4.70, तो ये 4 भी हम लोगों ने मेजर किया है, 7 भी मेजर किया और 0 भी मेजर किया है। तो ये तीनों मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जो अगला नंबर लिखा गया है उसमें 4703, ये चारों मीनिंगफुल डिजिट्स हैं। और जो लास्ट मेजरमेंट हम लोगों ने लिखा है उसमें किलोग्राम के 4 यूज किए थे, 100 ग्राम के 7 यूज किए थे, 10 ग्राम का कोई यूज नहीं किया था, मेजर किया 1 ग्राम के 3 यूज करे और 0.1 ग्राम के कोई भी यूज नहीं करने पड़े, लेकिन अवेलेबल थे। एक्चुअली कोई यूज नहीं करने पड़े मतलब है कि 0 यूज करें। तो यहां पर जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सारे नंबर्स मीनिंगफुल हैं, इसका मतलब ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो अगर ये मेजरमेंट था तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज इक्वल टू 1, इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू 2, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, एक 4 और दूसरा 7, तीसरे मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3, चौथे मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 और पांचवें मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5। जो मीनिंगफुल है वो सिग्निफिकेंट है। तो अगर इतनी बात समझ में आती तो फिर हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल समझ में आ गए। तो जितने भी किसी मेजरमेंट में नॉन जीरो नंबर्स लिखे होंगे वो सारे नंबर मेजर किए गए होंगे, इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो पहला रूल आ गया, फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, किसी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया कि कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में था तो ये भी मेजर किया गया, ये भी मेजर किया गया, तो पक्का ये भी मेजर किया गया होगा। इस प्लेस पर जो भी वैल्यू आ रही तो उसका हमें कोई भी मेजरमेंट करना नहीं पड़ा, मतलब जीरो मेजर किया। तो कह सकते हैं कि जितने जीरोस नॉन जीरो के बीच में आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए जो दूसरा रूल आ गया, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये बात सिंपली समझ में आ गई
कि दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब जैसे बात आती कि जो तीसरा मेजरमेंट लिखा हुआ था तो उसमें एक लास्ट में जीरो आ रही, तो क्या ये सिग्निफिकेंट है? तो यहां पर तो ये सिग्निफिकेंट है। और फिर मैंने एक बहुत लंबी रस्सी की लेंथ मेजर करी और वो इसकी 13 टाइम्स थी, तो ये पेन 100 सेंटीमीटर का है और रस्सी थी इसकी 13 टाइम्स। इसका मतलब रस्सी की लेंथ को अगर लिखा जाएगा तो रस्सी की लेंथ को हम लोग लिखेंगे 1300 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है कि मेजरमेंट क्या आया? तो इस 1300 को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 100 सेंटीमीटर। तो यूनिट तो ये थी ना, लेकिन मेजरमेंट क्या हुआ? 13। तो मेजरमेंट हो गया 13 और ये तो बाय डिफॉल्ट चला आया ना, इसको मेजर तो नहीं किया गया। इसका मतलब इसमें से जो दो जीरोज हैं ये इनसिग्निफिकेंट है। तो यहां पर डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि अगर जीरोज इनसिग्निफिकेंट है तो उस नंबर में डेसिमल नहीं होना चाहिए, और अगर डेसिमल लिखा हुआ है इनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोज। तो कह सकते हैं कि इन अ नंबर जो थर्ड रूल आ गया, इन अ नंबर विथ डेसिमल ऑल ट्रेलिंग, ट्रेलिंग का मतलब जो लास्ट के जीरोज होते हैं, लास्ट नॉन जीरो के बाद के जो जीरोज होते हैं, ऑल ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसके जितने भी ट्रेलिंग जीरोज होंगे लास्ट के, दोज आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो जो लास्ट के जीरोज आ रहे होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें एक एग्जांपल भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 7.0300, इसका मतलब ये जो ट्रेलिंग जीरोज हैं ये कैसे सिग्निफिकेंट है, और बाकी दोनों तो सिग्निफिकेंट थे क्योंकि नॉन जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट था क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच। तो अगर किसी नंबर में डेसिमल लगा हुआ है तो उसके जितने भी ट्रेलिंग जीरोज होंगे, लास्ट के जीरोज होंगे, वो सारे जीरोज सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है इन ए नंबर विदाउट डेसिमल, ऑल ट्रेलिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो अभी बात आती है कि सारे जीरोज इनसिग्निफिकेंट हो गए, ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है उसमें कोई सिग्निफिकेंट भी हो। तो अगर सिग्निफिकेंट है, हम लोगों का एक कन्वेंशन है कि अगर डेसिमल अगर सिग्निफिकेंट है तो डेसिमल लगा के लिखो, नहीं सिग्निफिकेंट है तो फिर विदाउट डेसिमल लिखो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते मेरे पास एक नंबर है 1300 या एक जीरो और लगा देते। अब एक अलग क्वेश्चन ही कभी पूछा जाता कि इसमें नंबर आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताओ, तो रूल के अकॉर्डिंग इसमें केवल दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं क्योंकि कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ। अब सपोज वो एक पूरी स्टोरी बताता कि ये जो भी मेजरमेंट है वो किया कैसे गया। अब उसने बोला कि सपोज ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये सपोज मैंने मान लिया किलोग्राम लिखा हुआ, और उसने इस मेजरमेंट को किया है एक किलोग्राम की वेट से, तो अगर एक किलोग्राम यूनिट होता तो 13,000 × 1 किलोग्राम।
तो इस 1 किलोग्राम का 13,000 times यूज हुआ है, मतलब 1 किलोग्राम के 13,000 वेट लिए गए होंगे। इट मींस दिस इज मेजरमेंट। और अगर ये मेजरमेंट है तो इसके जो पांचों डिजिट्स हैं वो कैसे हैं? सिग्निफिकेंट होने चाहिए। सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 5। अगर वो कभी क्वेश्चन में मेंशन करता है कि देयर इज अ मेजरमेंट एंड दैट मेजरमेंट इज 13,000 किलोग्राम एंड दिस मेजरमेंट इज डन विद 1 किलोग्राम वेट्स, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? तो उस केस में आंसर आएगा कि देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लेकिन अगर वो बोलता, कहता कि 10-10 किलोग्राम के वेट अवेलेबल थे, 10 किलोग्राम के वेट भी देखे होंगे और फिर ये वेट तोला गया, तो अगर ये वजन तोला गया और 10-10 किलोग्राम की यूनिट थे, इसका मतलब 10-10 किलोग्राम के हमें कितने लेने पड़ेंगे? 1300। तो 10 किलोग्राम तो बाय डिफॉल्ट है, आखिरकार मेजरमेंट क्या हुआ? ये मेजरमेंट हुआ। और ये मेजरमेंट हुआ तो मैं अब बोल सकता हूं कि यहां पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उनका नंबर अब की बार कितना आएगा? 4। इसका मतलब ऐसे टाइप के मेजरमेंट में एम्बिग्यूटी रहती है, लेकिन इसीलिए कन्वेंशन भी बना लिया गया कि अगर जीरोज इनसिग्निफिकेंट है तो हमें वहां पर डेसिमल नहीं लगाना है। अब सपोज उसने बोला है कि जो इतना बड़ा मेजरमेंट किया गया तो वहां पर जो वेट अवेलेबल थे वो 100-100 किलोग्राम के थे, तो अगर 100-100 किलोग्राम की वेट अवेलेबल होते और ये मेजरमेंट होता तो 100-100 किलोग्राम के हमें कितने लेने पड़ते? 130 वेट लेने पड़ते। मतलब दिस मेजरमेंट इज 130 times दैट ऑफ यूनिट वैल्यू, दैट ऑफ रेफरेंस वैल्यू। तो मेजरमेंट क्या, हम लोगों का मेजरमेंट तो यही हुआ ना 130। इसका मतलब हम लोगों ने जो मेजर किया वो 130 था, और 130 अगर मेजर किया तो ये तीनों डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। 1 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है और 0 भी सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो हमसे ये बोल देता कि जो हम लोगों का रेफरेंस वेट था वो 1000 किलोग्राम था, तो 1000 किलोग्राम के हमें कितने लेने पड़े होंगे? 13 वेट लेने पड़े होंगे। तो अगर रेफरेंस हम लोगों का 1000 किलोग्राम होता तो 1000 किलोग्राम के हमें केवल कितने लेने पड़ते? 13। तो 13 इज अवर मेजरमेंट, और 13 चूंकि हमारा मेजरमेंट है इसलिए 1 भी सिग्निफिकेंट और 3 सिग्निफिकेंट। ये तो सिर्फ एक रेफरेंस वैल्यू, ये हमने मेजर नहीं करी, ये तो बाय डिफॉल्ट हमें दे दी गई। तो जो वैल्यू हमें दे दी गई वो मेजरमेंट नहीं है, उस वैल्यू का कितने टाइम्स हम मेजर कर रहे हैं दैट इज अवर मेजरमेंट। तो हम लोगों का मेजरमेंट यहां पर 13 है, और अगर हम लोगों का मेजरमेंट यहां पर 13 है तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स केवल 2 आएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम मेजरमेंट्स में रहेंगी, इसलिए एक स्टैंडर्ड ही डिफाइन कर लिया गया कि अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ और लास्ट में ट्रेलिंग जीरोज हैं तो वो सारे जीरोज इनसिग्निफिकेंट होने चाहिए। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन फ्रेम करता है तो हमें डिसाइड करना है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहां पर होंगे। एक बार इस बात को फिर से रिवाइज करते हैं। एक मेजरमेंट हमने किया 13,000 किलोग्राम और हमें पता चला है कि केवल 1-1 किलोग्राम के वेट थे हमारे पास, इसका मतलब 1-1 किलोग्राम के हम लोगों ने कितने वेट्स लिए होंगे? 13,000। तो 13,000 इज अवर मेजरमेंट, और अगर 13,000 हमारा मेजरमेंट है तो इसके पांचों जो नंबर्स हैं वो कैसे हो गए? सिग्निफिकेंट होंगे। तो चूंकि हमें लिखना वैसे ही होता है कि अगर जीरोज हैं लास्ट में और डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो 2000 इनसिग्निफिकेंट। तो अगर इसको लिखना है तो फिर इसको ऐसे लिखना होगा, इसको हमें लिखना होगा क्योंकि यहां पर पांचों सिग्निफिकेंट है, तो फिर इस आंसर को हमें लिखना होगा 13000 decimal। कहीं भी डेसिमल लगा सकते हैं, पावर्स में लिख सकते हैं। अब इसमें यूनिट जो रेफरेंस वैल्यू दी गई थी वो 10 किलोग्राम दी गई थी, तो हम लोगों का जो मेजरमेंट था वो 1300 था, तो इसको अगर हम लोगों को लिखना होगा तो इसको फिर ऐसे लिखेंगे 1300 × 10^1, और कहीं डेसिमल लगा दो, यहां लगा सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो 1.300 × 10^4 साइंटिफिक नोटेशन में।
जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो जितने जीरोज इनसिग्निफिकेंट होते हैं उन सबको पावर में ले जाते हैं। अब डेसिमल यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, केवल पावर की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें इस मेजरमेंट को लिखना होता तो इसमें केवल तीन सिग्निफिकेंट है, तो ऐसे भी लिख सकते हो 1.30 × 10⁴। इसमें केवल दो सिग्निफिकेंट है तो ऐसे लिख सकते हो 1.3 × 10⁴। मतलब यहां जितने नंबर्स लिखे होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होने चाहिए। डेसिमल जरूर नहीं कि कोई फिक्स प्लेस पर ही लगाना है, ऐसे भी लिख सकते दिस इज 13.10³। ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस एम्बिग्यूटी की वजह से एक रूल बनाना पड़ा कि अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो जितने भी लास्ट के जीरोज लिखे होंगे वो सारे कैसे कंसीडर किए जाएंगे, वो सारे कंसीडर किए जाएंगे कि 2000 इनसिग्निफिकेंट, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये तो हो गया कि जितने नॉन जीरो है सारे सिग्निफिकेंट है, जितने जीरोज दो नॉन जीरो के बीच में आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। अगर किसी नंबर में डेसिमल लगा हुआ है तो जो ट्रेलिंग मतलब लास्ट के जीरोज है वो सिग्निफिकेंट है। अब एक क्वेश्चन और आता है, अब वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज लिखा हुआ है 0013.00100। इतने नंबर का डिस्कशंस तो हम लोग सुन चुके हैं, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो के बीच के जीरोज सिग्निफिकेंट, डेसिमल लगा हुआ है तो ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट। अब जो क्वेश्चन मार्क है वो इन दो जीरोज पर है, इनको बोलते हैं लीडिंग जीरोज। तो लीडिंग जीरोज आर ऑलवेज कंसीडर्ड इनसिग्निफिकेंट, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट। तो जो नेक्स्ट रूल आ गया, ऑल लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ऐसा हो सकता है जैसे मैंने लैपटॉप का वेट मेजर करने की कोशिश करी और मेरे पास 10 किलोग्राम के भी रखे थे, तो मुझे पता है कि इसका वेट 10 किलोग्राम से कम है, तो 10 किलोग्राम का मुझे कोई यूज नहीं करना पड़ा था। तो उस मेजरमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि 10 किलोग्राम का कोई यूज नहीं करना पड़ा, 1 किलोग्राम के 4 यूज करने पड़े, इसके बाद 0.7, फिर 0, फिर 3, फिर 0। तो किसी मेजरमेंट के बारे में ये ज़ूम किया जाता है कि वो मेजरमेंट तब स्टार्ट होता है जब उसकी कोई एक नॉन जीरो वैल्यू मिलना शुरू होती है, और इसके पहले हो सकता है हमारे पास मेजरमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हो, लेकिन मेजरमेंट यहीं से माना जाएगा। तो इसके पीछे जितने भी जीरोज आएंगे दोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल समझ में आ गए होंगे, हमें कुछ रटना नहीं है। जो नॉन जीरो नंबर्स लिखे वो सारे सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमने मेजर करे। दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमने वो मेजर किया। डेसिमल नंबर लगा हुआ है लास्ट में जीरो आ रहा है तो जीरो इसलिए लिखा गया क्योंकि हमने वो मेजर किया। लेकिन जो लीडिंग जीरो है स्टार्टिंग के, उसको मेजरमेंट नहीं माना जाता है। मेजरमेंट वहीं से माना जाता है जहां से कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलना शुरू होती है। इसका मतलब जितने भी पहले नॉन जीरो के लेफ्ट के जीरोज हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लीडिंग जीरोज, वो सारे जीरोज इनसिग्निफिकेंट है। अगर किसी नंबर में जीरोज ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग जीरोज हैं और उसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो वो ट्रेलिंग जीरोज कैसे होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर डेसिमल लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये तो हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। अब जैसे बात आती सिग्निफिकेंट, जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई नंबर लिखा हुआ है, अब जैसे हम लोगों ने कोई एक नंबर लिख लिया जो हम लोगों ने अभी मेजरमेंट किया था, उसी नंबर की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक मेजरमेंट किया था 4 किलोग्राम। तो इस 4 को अगर ऐसे लिख दिया जाता 4 किलोग्राम और 4.0 किलोग्राम, तो क्वेश्चन आता कि क्या ये दोनों सेम है?
क्या मैं 4 किलोग्राम को 4.0 किलोग्राम लिख सकता हूं? गलती से भी मत लिखना। अगर कभी 4 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस प्लेस की वैल्यू तो हमें पता थी, लेकिन डेसिमल के बाद क्या एग्जिस्ट करता है ये मेजर ही नहीं किया गया। तो मेजर करेंगे तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी आ सकता है। इसका मतलब 4 किलोग्राम और 4.0 किलोग्राम दोनों डिफरेंट हैं। तो 4 किलोग्राम का मतलब नहीं कि इसके बाद सारे जीरोस लगे हुए हैं, इसके बाद की वैल्यूज हमें नहीं पता है। अक्सर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक चीज आएगी, वो बोलेगा 2 × 10³। हो सकता है कभी ऐसे लिख दे, तो भी क्वेश्चन आता है कि जीरो क्यों लिख रहा है। अगर उसने 2 × 10³ लिखा है, इसका मतलब अगले प्लेसेस की वैल्यूज नहीं पता है, लेकिन अगर वो ये लिख रहा है कि 2.00 × 10³, तो उसे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू पता है, तीसरे प्लेस से वैल्यू नहीं पता। तो अगर पूरा डिस्कशन, जितना भी डिस्कशन एरर से रिलेटेड होगा, उस सब का बेसिक कॉन्सेप्ट इसी डिस्कशन से आएगा। तो क्या पहला पार्ट क्लियर हो गया? सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल रट गए होंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब है मीनिंगफुल डिजिट्स, और मीनिंगफुल का मतलब दोज आर मेजर्ड। किसी नंबर के मीनिंगफुल होने का मतलब है कि वो मेजर किया गया। मेरा वेट 71 किलोग्राम है या 75 किलोग्राम है, तो मेजर करके तो बताया गया होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं 75, तो इसका मतलब 7 और 5 दोनों मेजर्ड वैल्यूज है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल, और मीनिंगफुल का मतलब होता है मेजर्ड। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल का पहला पॉइंट है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा पॉइंट, दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो जाएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तीसरा पॉइंट कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो लास्ट के मतलब ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन अगर ट्रेलिंग जीरोज हैं और डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो लास्ट के सारे जीरोज इनसिग्निफिकेंट होंगे। और किसी भी मेजरमेंट में अगर कोई लीडिंग जीरो है तो लीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे लिखा होता 0.00070715, तो दीज आर लीडिंग जीरोज एंड लीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, लेकिन जितने नॉन जीरोज है वो सिग्निफिकेंट है। तो ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट पहले रूल से। दूसरे रूल से ये सिग्निफिकेंट हो गया, क्यों? क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच के जो जीरोज है वो सिग्निफिकेंट। और ये किस रूल से सही हो गया? ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस नंबर में डेसिमल है, और डेसिमल नंबर में जितने भी ट्रेलिंग जीरो आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6 और 1, 7, लेकिन जो चार जीरोस लिखे थे ये इनसिग्निफिकेंट। अगर कहीं ऐसे लिखा होता है 7007000, तो जितने लीडिंग जीरोज हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो गए, दो नॉन जीरो के बीच के जीरोज सिग्निफिकेंट हो गए, लेकिन इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो ये जीरोज इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन अगर इसी जगह एक नंबर लिखा जाता 00.0070007000, तो दीज आर लीडिंग जीरोज इनसिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन दो नॉन जीरो के बीच के जो जीरोज है वो सिग्निफिकेंट है। और चूंकि डेसिमल लगा हुआ है तो इतने जो ट्रेलिंग जीरोज आ रहे हैं ये भी कैसे हो गए? ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। अब बात आती साइंटिफिक नोटेशन की। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें 10 की पावर में वैल्यूज को लिखना होता है, लेकिन 10 की पावर के बगल में जो मल्टीप्लिकेशन लिखा होगा उसमें हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ही लिखना है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने जो लिया था 13,000 किलोग्राम, अगर हमसे बोला जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स केवल 2 है, ये तो या तो ऐसे लिख दो, लेकिन अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो हमें केवल 2 डिजिट्स लिखनी और बाकी जो जीरोज आ जाएंगे
वो पावर में, तो डिपेंड करते हैं कि हम डेसिमल कहां लगाएंगे। सपोज हमने डेसिमल यहां लगा दिया तो 10 to the power 3, अगर हमें डेसिमल यहां लगाना है तो 10 to the power 4, यहां जो लिखा होना चाहिए वो सिग्निफिकेंट, अगर हमें डेसिमल यहां लगाना है तो 10 to the power 5। लेकिन गलती से हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 13.0 × 10 to the power something, क्यों? दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे तो यहां पर भी कितने होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट। तो जितने भी अननेसेसरी इरेलेवेंट इनसिग्निफिकेंट जीरोज आते हैं उन सबको हम लोग पावर में लिख लेते हैं। तो ये डिस्कशन हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2, जितने भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में लाई करते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 3, अगर किसी मेजरमेंट में डेसिमल लगा हुआ है तो लास्ट वाले जीरोज मतलब ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो लास्ट के जीरोज ट्रेलिंग जीरोज नॉट सिग्निफिकेंट है। लीडिंग जीरोज आर ऑलवेज नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हो गए। अब इसी डिस्कशन से हम लोग एक बात और भी सीख सकते हैं, यहीं से आता है कॉन्सेप्ट लीस्ट काउंट का। लीस्ट इसको बोलते हैं एरर, इसको हम लोग बात करते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सिंपल एग्जांपल्स हैं। सपोज मैंने कोई नंबर लिखा 00.303006 00, तो सबसे पहले तो बात करते हैं नॉन जीरो नंबर्स के। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो 3, 3, 6 सिग्निफिकेंट। फिर रूल नंबर 2 की बात करते हैं कि दो नॉन जीरो के बीच के जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट। तो 3, 3 के बीच में ये जीरो है सिग्निफिकेंट, 3 और 6 के बीच में ये जीरोज हैं सिग्निफिकेंट, तो ये जीरोज भी सिग्निफिकेंट हो गए। फिर रूल नंबर 3 की बात करते हैं कि अगर डेसिमल लगा हुआ है तो यहां पर एक डेसिमल लगा हुआ है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोज हैं लास्ट के जीरोज हैं वो सारे सिग्निफिकेंट। फिर एक रूल था कि जितने भी लीडिंग जीरोज हैं, लास्ट रूल जो मैंने बताया था, वो सारे इनसिग्निफिकेंट नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट। तो इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट है वो 3, 0, 3 ये दोनों जीरोज, 6 और ये दोनों जीरोज। तो कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देर आर 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इस नंबर में 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसे लिखा होता 1, 3, 0.7000, तो रूल नंबर 1, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2, दो नॉन जीरो के बीच के जीरोज सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3, इन अ डेसिमल नंबर ऑल ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो ये जो भी मेजरमेंट लिखा हुआ है इस मेजरमेंट में जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट है। अब जैसे एक नंबर और लिखा होता है, यही नंबर लिखा होता 1, 3, 0, 7, 0, 0, 0, तो रूल नंबर 1, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो के बीच के जीरो सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोज हैं वो इनसिग्निफिकेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देर आर 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, लेकिन इसमें केवल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और अगर कुछ लीडिंग जीरोज होते वो इनसिग्निफिकेंट होते, नॉट सिग्निफिकेंट होते, तो जैसे इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है
तो ये चार तो सिग्निफिकेंट है लेकिन ये तीन इनसिग्निफिकेंट है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 1307 इंटू 10^3। तो यहां पर जितने भी जीरोस, जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट लिखे हुए हैं। और भी तमाम तरीके हो सकते हैं, 130.7 इंटू 10^4 या ऐसे लिख सकते हैं, 13.07 इंटू 10^5 या 1.307 इंटू 10^6। तो ये तो हम लोगों का साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ऐसे हम लोग पता करते हैं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब इस डिस्कशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, एरर। मैंने बोला कि जितनी सारी चीजें मेजरमेंट से रिलेटेड हैं वो सब आपस में कनेक्टेड भी हैं और सबका डिस्कशन एक साथ जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या हम लोग किसी मेजरमेंट की एरर बता सकते हैं। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हम लोग कोई वैल्यू मेजर करते हैं, जैसे कुछ भी मेजर करना तो उसकी जो भी वैल्यू होगी तो मेजरमेंट के बाद पता चलेगी ना, तो एक्चुअल वैल्यूज तो हमें पता नहीं होती। तो हमने, और एरर होता क्या है, मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिकल एरर्स की। वैसे जीवन में तो बहुत सारी एरर्स होती हैं, दिन भर गलतियां करते हैं, जीवन भर गलतियां करते हैं, तो जो भी इवेंट्स होते हैं वहां पर एरर्स तो होती है, लेकिन हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिकल एरर्स की, जो साइंटिफिक एरर्स हैं, जो कैलकुलेशन की ड्यूरिंग आती है। अब सपोज बात आती एरर है क्या, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया कि कुछ भी एक मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट एम है एंड दैट मेजरमेंट इज 132। कुछ भी है, ये मास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और मैंने बोल दिया कि ये जो है ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अगर हमें एक्चुअल वैल्यू पता है और फिर हमसे वही वैल्यू मेजर करने के लिए बोला गया, तो हम लोगों ने जो मेजर किया वो आ गया 130। तो दिस इज मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू थी 132 और मेजर्ड वैल्यू 130। तो साफ साफ दिखाई दे रहे कि एरर इज इक्वल टू 2। 132 वैल्यू थी और हम लोगों ने मेजर किया 130, तो एरर आ गई 2। तो क्वेश्चन है कि क्या एरर निकाली जा सकती है, आंसर इज नो, क्योंकि बात आई कि ये वैल्यू कहां से निकाल ली गई, इसको भी तो मेजर किया गया होगा। तो जब हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती तो मेजरमेंट करते, और मेजरमेंट में क्या होता है, एरर होती। इट मींस किसी भी मेजरमेंट की एरर हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो एक्चुअल, हाँ कोई अगर कोई वैल्यू मेजर कर ली गई है उसमें एरर होगी, उसको रेफरेंस मान लिया गया, फिर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं जो डिफरेंस आता है उसको हम एरर बोलते हैं, लेकिन जो मेजर की गई होगी वो भी तो कुछ ना कुछ उसमें एरर आ रही होगी। तो एरर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एरर कभी कैलकुलेट नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम मेजरमेंट इसीलिए करते हैं कि हम उसकी क्लोज वैल्यू तक पहुंचे, और इनफाइनाइट प्लेसेस होने की वजह से हम उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू तक, उस वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते, कोई ना कोई एरर होती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि हम कभी एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है, फिर क्या कर सकते हैं, अगर एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग वहां पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने अभी लैपटॉप का वेट मेजर किया था, तो एक स्टूडेंट में अपना मेजरमेंट लिखा, और वो मेजरमेंट उसने लिख दिया 4 किलोग्राम। अब उसने, उसको बोला गया कि जाओ इस लैपटॉप का वेट मेजर करके आओ, तो स्टूडेंट एग्जामिनर के पास पहुंचा और उसने बोला कि दिस इज अवर मेजरमेंट। एग्जामिनर जब इस वैल्यू को देखेगा तो क्या सोचेगा,
एग्जामिनर इस वैल्यू को देख करके सोचेगा इसने 4 किलोग्राम लिखा है, लेकिन 4 के आगे की वैल्यूज नहीं लिखी है, तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि इसने जो वेट मेजर की, जो वेट यूज किए होंगे वो केवल 1 किलोग्राम के। इसका मतलब जो स्टूडेंट है यूज्ड ओनली 1 किलोग्राम वेट्स। अगर वो 100 ग्राम के यूज करता तो और भी वैल्यूज लिखता, डेसिमल के बाद लिखता। 10 ग्राम के यूज करता तो डेसिमल के एक और प्लेस तक आगे वैल्यू लिखता। अगर उसके पास 1 ग्राम भी अवेलेबल होते तो एक और प्लेस तक वैल्यू लिख देता। तो एग्जामिनर ने जब इस डेटा को देखा होगा तो तुरंत समझ गया होगा कि स्टूडेंट ने जो वेट मेजर किए उसके पास केवल 1 किलोग्राम के वेट्स रहे होंगे। अब इस डेटा को जब एग्जामिनर एनालाइज करेगा तो क्या सोचेगा वो? मैंने बोला सारे पहलू इंपॉर्टेंट है, अगर समझ लेंगे तो चैप्टर बहुत सिंपल है और हमें कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा। और रट रट के इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन बड़े एग्जाम्स में सॉल्व नहीं होते। तो अब एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि उस डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं। तो जब एग्जामिनर ने ये रिजल्ट देखा होगा तो वो तुरंत समझ गया होगा कि 4 किलोग्राम का मतलब है कि उस स्टूडेंट ने इस ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने में 1 किलोग्राम के 4 वेट रखे होंगे तराजू पर। लेकिन वो ये भी सोचेगा कि 4 रखे होंगे, 5 रखा होगा तो पलटा ऐसे हो गया होगा, जब 4 रखे तो लैपटॉप भारी था, ऑब्जेक्ट भारी था, लेकिन 5 रखे होंगे तो ऐसा आ गया होगा। तो तुरंत उसने सोचा होगा कि एक्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 4 केजी और इक्वल टू। एग्जामिनर ये भी सोचेगा हो सकता है कि उसने 4 किलोग्राम रखा और दोनों बैलेंस हो गए, तो या तो वेट उसका 4 किलोग्राम से ज्यादा रहा होगा या उसके बराबर रहा होगा। लेकिन उसको यह भी पता है कि अगर उसके पास 1 किलोग्राम के थे और 5 किलोग्राम नहीं लिखा है तो एक बात और भी बोल सकते हैं कि एक्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 5 किलोग्राम। अगर स्टूडेंट ने उस ऑब्जेक्ट का वेट 4 किलोग्राम लिखा है, इसका सिर्फ एक मतलब है कि या तो वो 4 किलोग्राम रहा होगा या 5 किलोग्राम से छोटा रहा होगा। मतलब जो एक्चुअल वेट होगा दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 किलोग्राम एंड लेस देन 5 किलोग्राम। 5 नहीं रहा होगा, क्योंकि 5 रहा होता तो स्टूडेंट ने 5 लिखा होता। तो यहां से फिर हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू, मैक्सिमम एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, थोड़ी सी उससे छोटी है ये, ऐसे लिख देते हैं 5 किलोग्राम माइनस एच वेयर लिमिट ऑफ एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0। मतलब जो इस ऑब्जेक्ट का वेट रहा होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 किलोग्राम से जरा सी छोटी होगी। तो मैंने 5 किलोग्राम माइनस एच वेयर एस टेंडिंग टुवर्ड 0, बहुत छोटा नंबर घटा दो इसमें, जैसे 10^-1000 0.000 1000 जीरो लगा दो, 2000 लगा दो, 4000 लगा दो, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 किलोग्राम। एग्जामिनर ये भी बोल देगा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट 4 किलोग्राम या उससे बड़ा और 5 किलोग्राम से छोटा है और स्टूडेंट के पास केवल 1 किलोग्राम के वेट्स अवेलेबल हैं, तो उन सारे केसेस में स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा होगा दैट आंसर मस्ट बी इक्वल टू 4 किलोग्राम।
तो अब बात आती है कि मैं जैसे मैं बोलता है कि हो सकता है 4.2 रहा होता, लेकिन अब 0.2 के बारे में तो पता नहीं, क्योंकि हमारे पास 100 ग्राम की वेट अवेलेबल नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि दिस वेट वॉज एक्चुअली 4.2, तो उस समय स्टूडेंट क्या लिख रहा है 4 किलोग्राम, तो कितनी एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है 0.2। हो सकता है इस ऑब्जेक्ट का वेट 4.7 रहा होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया, तो उस समय स्टूडेंट अगर आंसर 4 लिख रहा है तो कितनी एरर वो इंट्रोड्यूस करा रहा है 0.7। मैक्सिमम कितना हो सकता था 4.99999 एंड सो ऑन, बहुत सारे 9 लिख दो यहां पर, लेकिन स्टूडेंट क्या लिख रहा है, स्टूडेंट लिख रहा है केवल 4। इसका मतलब वो इस केस में जो एरर इंट्रोड्यूस कराएगा वो 0.999 एंड सो ऑन, बहुत सारे 9 लिख दो, एंड दिस इज ऑलमोस्ट 1। इसका मतलब स्टूडेंट जो मैक्सिमम एरर ला सकता है, स्टूडेंट की तरफ से जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है वो 1 किलोग्राम हो सकती है। हो सकता है वाकई में 4.000 रहा होता और उस केस में स्टूडेंट लिख रहा है 4 किलोग्राम, तो कितनी एरर इंट्रोड्यूस करा रहा है उस केस में, वो एरर 0। तो ऐसा नहीं कोई मेजरमेंट किया गया और उसकी जो वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर ना, हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का वेट वाकई में 4.000 होता और फिर स्टूडेंट अगर 4 लिख रहा है इसका मतलब वो कोई भी एरर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो यहां से मैं ये पता चल सकता है, एरर के बारे में तो नहीं पता है कि 0.2 होगी, 0.7 होगी, 0.6 होगी, 0.5 होगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि मैक्सिमम 5 हो सकता है 4.99। तो हम लोग एरर तो नहीं बता सकते लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बोल सकते हैं, एंड दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल मेजरमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल मेजरमेंट नहीं एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन दिस मेजरमेंट इज 1 किलोग्राम। हम लोग कभी एरर नहीं बता सकते, क्या बता सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और इसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। जब मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। इसका नाम लीस्ट काउंट एरर क्यों रखा गया, क्योंकि उसके पास अगर 1 किलोग्राम के वेट अवेलेबल थे तो 1 किलोग्राम से छोटा मेजरमेंट वो नहीं कर सकता था, तो उस मेजरमेंट की लिमिटेशन थी कि जो सबसे छोटा काउंट आएगा वो 1 किलोग्राम आएगा। 1 किलोग्राम से छोटा मेजरमेंट पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसको बोलते हैं कि लीस्ट काउंट एरर, उस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे छोटा मेजरमेंट हो सकता था वो 1 किलोग्राम हो सकता था। 1 किलोग्राम के नीचे अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो फिर एरर में इंट्रोड्यूस होगी, वो मेजरमेंट 0.5-0.9 किलोग्राम मेजर नहीं कर सकता था, वो 0.7 किलोग्राम मेजर नहीं कर सकता है, वो 0.2 किलोग्राम मेजर नहीं कर सकता है, वो 1 केजी कर सकता है, 2 केजी कर सकता है, 3 केजी कर सकता है, एंड सो ऑन। तो लीस्ट काउंट एरर समझ में आ गई कि जो हमारे पास मेजरमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल है वो सबसे छोटा जो मेजरमेंट कर सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। इस बात को एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब यह पहले बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने मेजरमेंट किए थे उन सब की लीस्ट काउंट एरर क्या थी और उस लीस्ट काउंट एरर को डायरेक्टली निकाला कैसे जाता है। जैसे हम लोगों ने एक मेजरमेंट किया था 4 किलोग्राम, फिर किया था 4.7 किलोग्राम, फिर किया था 4.70 किलोग्राम, फिर हम लोगों ने किया था 4.70 या कुछ 3 था, इसको 3 इधर लिख देते हैं किलोग्राम, और लास्ट हम लोगों ने किया था 4.7030 किलोग्राम।
सबसे पहले मेजरमेंट की बात करते हैं। 4 kg लिखा था, 1 kg के 4 रखे थे, जैसे 5 रखा था तो वेट वाला पार्ट भारी हो गया था, ऑब्जेक्ट हल्का पड़ गया था। तो इस केस में जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी, एक्चुअल वैल्यू को मैं भी लिख देता हूं, तो एक्चुअल वैल्यू 4 kg के बराबर रही होगी या 5 से कम रही होगी। तो एक्चुअल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम एरर आ गई, मैक्सिमम एरर वो आ गई लगभग 1 kg, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लीस्ट काउंट एरर। अब इस वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसका मेजरमेंट था 4.7 kg। तो 4.7 का मतलब क्या था, 4.7 का मतलब था कि 1 kg के 4 रखे और 100 g के 7 रख दिए। लेकिन 100 g के जब 8 रखे थे तो वेट वाला पार्ट हैवियर हो गया था और ऑब्जेक्ट वाला पार्ट लाइटर हो गया था। इसका मतलब यहां पर जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, एक्चुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.7 बट लेस देन 4.8। एरर क्या होती, मेजर्ड वैल्यू माइनस, अगर मैं एरर की बात करता, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, या एक्चुअल, यहां पर मेजर्ड वैल्यू छोटी एक्चुअल वैल्यू बड़ी, तो इसको हम लोग लिख देते एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू तो फिक्स्ड है, एक्चुअल वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी एरर उतनी ज्यादा आएगी। तो यहां पर मैं एरर की मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करता, तो एरर की मैक्सिमम वैल्यू तब होती जब एक्चुअल वैल्यू मैक्सिमम होती माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू यहां पर हो कितनी सकती है 4.8, जबकि मेजर्ड वैल्यू कितनी 4.7। तो यहां पर मैक्सिमम एरर कितना आ गया 0.1 kg। उसी तरीके से यहां पर बात करते इस वाले केस में, इस केस में जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू की अगर मैं मैक्सिमम की बात करता तो वो तो 4.71 आ जाती। अब उसने 10 g का एक भी वेट यूज नहीं किया, इसका मतलब 4.71 कैन बी द मैक्सिमम एक्चुअल वैल्यू, इस मेजरमेंट को देख के बोल सकते हैं, और जो मेजर्ड वैल्यू है वो 4.70। तो यहां पर जो लीस्ट काउंटरर आ गई वो 0.01 kg। ये हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे, यहां पर सबसे छोटा वेट जो अवेलेबल था वो 1 kg, तो लीस्ट काउंट एरर कितनी आ गई 1 kg। यहां पर जो सबसे छोटा वेट अवेलेबल था वो 100 g, मतलब 0.1 kg, तो लीस्ट काउंट एरर आ गई 0.1 kg। यहां पर जो सबसे छोटा वेट अवेलेबल था वो 10 g था, मतलब 0.01 kg, तो लीस्ट काउंट एरर की वैल्यू 0.01 kg। यहां पर अगर बात करी जाती कि लीस्ट काउंट एरर कितना आएगा, तो लीस्ट काउंट एरर की वैल्यू आएगी 0.001, क्योंकि यही सबसे छोटा वेट अवेलेबल था। तो हमारे पास एक तरीका भी आ गया कि कभी लीस्ट काउंट एरर निकालना हो तो जो मेजरमेंट लिखा हो उसमें लास्ट में हमें 1 लिख देना है, जैसे 4 लिखा था तो यहां पर 1 लिख दिया, तो ये लीस्ट काउंट एरर आ गया। फिर लिखा था 4.7 तो हमें डेसिमल लगाना है, यहां पर 1 लिख देना है, तो लीस्ट काउंट एरर कितना आ गया 0.1 आ गया। तीसरा मेजरमेंट था 4.70, लास्ट में 1 लिखना है, बाकी सब जगह डेसिमल 0 लगाने, तो लीस्ट काउंट एरर कितना आ गया 0.01। लास्ट वाला मेजरमेंट था तो लास्ट में 1 लिखना था, डेसिमल के सामने डेसिमल और बाकी सारे प्लेसेस पर 0, तो इसका जो लीस्ट काउंट एरर आ गया वो 0.0001। तो हम लोग एरर नहीं निकालते, हम लोग पता करते कि उस मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, क्योंकि एरर तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एरर कैलकुलेट होने का मतलब हमें एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए, और एक्चुअल वैल्यू बताएगा कौन, मेजरमेंट बताएगा। तो मेजरमेंट तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो हम लोग जो एरर्स के साथ डील करते हैं वो एक्चुअली एरर्स के साथ डील, अगर हमें एरर पता हो तो फिर मेजरमेंट की जरूरत ही क्या है। अगर हमें एरर पता है, मेजर्ड वैल्यू पता है, तो फिर हमें एक्चुअल वैल्यू भी पता है। तो एरर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड,
एरर की केवल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमें उस रिजल्ट में पता होगा कि हम उस रिजल्ट का जहां भी यूज करने जा रहे हैं उसमें और कितनी एरर्स हो सकती है। अब ऐसे बोलते हैं कि कोई मेडिसिन बनती है, कोई भी मेडिसिन ह्यूमन बॉडी में दी जाती है, तो मेडिसिन के हमेशा साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स वाई जेड मेडिसिन थी और ये पता चला कि डेली परमिसिबल डोज अगर 30 मिलीग्राम को क्रॉस करती है, इट्स डेंजरस, और हम एक कोई टैबलेट खरीद के लाए उसमें लिखा था 30 मिलीग्राम, तो जब वो तौल उसका कॉम्बी जो भी उसका कॉम्बिनेशन रहा होगा उसमें 30 मिलीग्राम एक्स वाई जेड था, वो ये बता रहा है, लेकिन उसने मेजर किया होगा तो कोई ना कोई तो एरर होगी ना, तो उसने बोल दिया कि 10% की एरर पॉसिबल है यहां पर और उसमें लिखा है 30 मिलीग्राम, तो ये भी पॉसिबल है कि 30 मिलीग्राम का जो 10% आएगा वो 3 मिलीग्राम आएगा, तो 10% इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इसका मतलब उसमें जो डोज है वो 33 मिलीग्राम 27 मिलीग्राम के बीच में लाई करेगा, तो अगर हमें मैक्सिमम परमिसिबल डोज 30 ग्राम देनी है तो फिर पक्का वहां पर जो डोजेस लिखा होना चाहिए वो 30 से कम लिखा होना चाहिए। अब उसने बोल दिया कि 20 मिलीग्राम है, 20 मिलीग्राम, और उसने बोल दिया कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज 10%, इसका मतलब 20 मिलीग्राम अगर लिखा और वो बोल रहा है कि सारे कैलकुलेशन करने के बाद मैक्सिमम जो एरर आ सकती है वो 10% की आ सकती है, इसका मतलब उसमें जो कॉम्पोजिशन है वो 22 और 18 के बीच में आ रहा होगा, एंड 22 इज विद इन सेफ जोन। तो हम लोग मैक्सिमम एरर से अपना जो पर्पज है वो फुलफिल कर लेते हैं। तो ये डिस्कशन हो गया लीस्ट काउंट एरर का, और सारा डिस्कशन कंबाइंड मैंने बोला है कि सब कुछ एक ही तरीके से डिस्कस किया जाएगा तो चीजें समझ में आएंगी। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल और लीस्ट काउंट एरर, ये बात समझ में आ गई। तो अगला पार्ट है कि अब हम लोग इसकी अर्थमेटिक्स कैसे सीखते हैं, कि अगर कोई मेजरमेंट है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो आंसर को कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखा जाना चाहिए, और अगर हम लोग कम प्लेसेस तक आंसर लिखना चाहते हैं तो उसको राउंड ऑफ कैसे किया जाए। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं राउंड ऑफ करना क्या होता है। अब जैसे कोई मेजरमेंट हमें दिया गया और वो मेजरमेंट था 5.672 और कोई भी यूनिट यहां पर है, किलोग्राम हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेकंड हो सकता है, कोई भी यूनिट है, और हमें इसको केवल दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। हमें जो आंसर लिखना है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है। तो अगर हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है, मतलब पहला ऑब्जर्वेशन है कि इस पार्ट को हम हटाना चाहते हैं, लेकिन जो 5.67 वैल्यू है वो 5.7 से काफी दूर है और 5.6 से ज्यादा दूर है। अगर हम एक स्केल बनाते और ये होता 5.6 और ये होता 5.7, तो ये वैल्यू 5.67 मतलब कुछ यहां पर पड़ेगी, तो दिस इज क्लोज टू 5.7 और इससे काफी दूर है, तो इस हिसाब से एक लॉ बना दिया गया। और वो लॉ क्या था कि अगर मिड पॉइंट के आगे है तो हमें राउंड ऑफ करना है तो फिर ये लिखना होगा। तो उसको कुछ अलग तरीके से ये कहते हैं कि अगर ये वाला नंबर 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5, तो हम लोग यहां पर पिछले वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं। तो अगर हमें केवल दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है तो दिस आंसर विल बी 5.7। अब एक एग्जांपल सपोज हम लोग और लेते हैं, वो एग्जांपल होता है
सपोज ये बोलता है 6.3723, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 और हमें आंसर लिखना है केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर लिखना है, तो इतने पार्ट को हमें हटाना है। तो ये नंबर 5 से छोटा है जो 2 जहां से हटाना है, तो जब नंबर 5 से छोटा है लेस देन 5 तो उस केस में हम लोग लिखते हैं 6.37, मतलब जो पिछला नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक अगर स्केल बनाते हैं और ये वाली वैल्यू थी 6.37 और ये वैल्यू है 6.38, तो जो 6.372 ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो यहां पर एग्जिस्ट करेगी और ये इसके ज्यादा क्लोज है, इससे ज्यादा दूर है। इसका मतलब जहां तक हमें वैल्यू लिखनी है उसके बाद का नंबर अगर 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में एक ऐड कर देते हैं। जैसे ये वाला नंबर 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, और जहां तक हमें वैल्यू लिखनी उसके बाद का नंबर अगर 5 से छोटा है तो उस केस में इस नंबर को एज इट इज हटा देते हैं और इसमें कोई भी चेंज नहीं करते। तो बहुत सिंपल सा आ गया। जैसे कुछ एक एग्जांपल और देता, 5.673273, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है 8 और हमें आंसर अगर 7 तक लिखना होता तो इसे हटाना होता और ये नंबर 5 से छोटा है तो आंसर आता 5.673276। अगर हमें आंसर 3-6 प्लेसेस तक लिखना होता तो इसको हटाना होता, जिसको हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है तो हमारा आंसर में यहां पर 7 की जगह 8 हो जाता। अगर इसको हटाना होता तो ये भी 5 से बड़ा है तो यहां पर क्या लिख देते, 3, लेकिन इससे अगर हटाना होता तो ये 5 से छोटा है तो यहां पर क्या लिखते, 3 लिखते। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हमें 7 प्लेस तक आंसर लिखना है तो वो आंसर आता 5.673276। 3 को ऐसे हटा दो क्योंकि वो 5 से छोटा है। अगर हमें 6 प्लेस तक आंसर लिखना होता तो ये नंबर जिसको हटा रहे हो 5 से बड़ा है तो यहां पर हमें 8 लिखना होता तो आंसर आता 5.67328। अगर हमें 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक आंसर लिखना होता 1, 2, 3, 4, 5 तो इसको हटाना होता और जिसको हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में एक ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 5.6733। अगर हमें 4 प्लेस तक आंसर लिखना होता, यहां तक लिखना होता तो हमें हटाना था 2 को, 2 चूंकि 5 से छोटा है तो उस केस में आंसर आएगा 5.673। अगर हमें 3 प्लेस तक आंसर लिखना है, यहां तक लिखना है तो इसको हटाना पड़ेगा और ये 5 से छोटा है तो उस केस में आंसर आएगा 5.67। अगर हमें 2 प्लेसेस तक लिखना है तो इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा तो ये 5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है तो पीछे एक ऐड करोगे तो ये आएगा 5.7। अगर हमें केवल एक सिग्निफिकेंट प्लेस तक आंसर लिखना है तो इसे हटाना पड़ेगा और ये चूंकि 5 से बड़ा है तो उस केस में आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो जिस नंबर को हटाना है अगर वो 5 से बड़ा है तो पिछले में एक ऐड कर देते, जिस नंबर को हमें हटाना है अगर वो 5 से छोटा है तो पिछले को एज इट इज छोड़ देते। लेकिन अब फिर एक क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है कि जिस नंबर को हटाना है अगर वो एग्जैक्टली 5 के बराबर है तो क्या करेंगे, तो जिस नंबर को हमें रिमूव करना है अगर वो एग्जैक्टली 5 के बराबर है, सपोज मैंने बोला है कि एक नंबर लिखा था 3.765, तो अगर मैं
एक नंबर लाइन बनाता और इसको लिखता 3.76 और ये था 3.77। तो 3.765 जो लाई करेगा वो बीचो बीच लाई करेगा 3.765। तो इसके भी उतना ही क्लोज है जितना ही रिजल्ट इसके क्लोज है। तो दोनों नंबर लिखेंगे बराबर की एरर आएगी। तो उस केस में फिर एक स्टैंडर्ड रूल बना दिया गया और वो रूल क्या है ध्यान से समझना कि अगर मैं इस 5 को हटाना चाह रहा हूं तो चेक कि उसके पहले का नंबर इवन है या ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है इस केस में इवन है, इफ नंबर इज इवन, जिस नंबर को हटाना उसके पहले का नंबर अगर इवन है देन ड्रॉप 5 विदाउट एनी चेंज, 5 को हटा दो और कोई भी चेंज नहीं करना। लेकिन कभी ऐसे लिखा होता 3.735 और हमें 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक आंसर लिखना होता तो हमें इस 5 को हटाना है। लेकिन जब 5 को हटाना है तो चेक कि उसका पिछला नंबर इवन है ऑड है, और इस केस में अगर वो नंबर ऑड है देन रिमूव 5 एंड एड 1 इन ऑड नंबर, जो पिछला ऑड नंबर उसमें एक ऐड कर दो तो 5 को हटाएंगे और पीछे उसमें एक ऐड करके उसको क्या बना देंगे इवन, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.74। जिस नंबर को हटा रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके पिछले नंबर में हमें एक ऐड करना है, जिस नंबर को हटा रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो उसको हटा देना और पीछे कोई चेंज नहीं करना है, और जिस नंबर को हटा रहे हैं अगर वो 5 के जस्ट बराबर है तो उस केस में चेक करना है कि पिछला नंबर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो 5 हटा के ऐसे छोड़ देना है, और अगर ऑड है तो 5 हटा के उसके ऑड नंबर में एक ऐड करके उसको भी क्या बना देना है इवन बना देना है। तो ये तो हो गया राउंड ऑफ करने का रूल। तो एक दो एग्जांपल्स हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। अगर राउंड ऑफ करना है सपोज मैंने लिखा 3.672 और हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक लिखना है, तो 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक लिखना है तो ये हटाना है और जो मैं हटा रहा हूं 5 से बड़ा है इसका मतलब आंसर 3.7। अगर एक नंबर लिखा होता 15.231 और ये आंसर हमें 4 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक लिखना है तो इस नंबर को हमें ड्रॉप करना होगा, जो नंबर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से छोटा है, और अगर वो 5 से छोटा है तो आंसर 15.23। अगर एक अगला एग्जांपल होता 15.235 और हमें 4 प्लेसेस तक 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर लिखना है तो इस 5 को हमें ड्रॉप करना है। लेकिन जब 5 को ड्रॉप करेंगे तो चेक करेंगे कि 5 के पीछे जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, तो इस केस में 3 कैसा है ऑड, और अगर ऑड है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो ये आएगा 15.24। एक अगला एग्जांपल सपोज ऐसे ही था 15.285 और हमें 4 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक आंसर लिखना है तो हमें इस 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन जब कभी 5 ड्रॉप करते हैं तो ये चेक करते हैं उसका जो पिछला नंबर है वो इवन है या ऑड है, और इस केस में वो नंबर कैसा है इवन, तो 5 को ड्रॉप कर देते हैं और उसमें कोई भी चेंज नहीं करते तो इस केस में जो आंसर आएगा वो 15.28 आएगा। तो ये तो हो गया राउंड ऑफ करने का रूल। तो राउंड ऑफ करने के रूल को समराइज करते हैं कि जिस नंबर को हमें ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके पिछले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, जिस नंबर को हमें ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटा है तो उसको ड्रॉप कर देते हैं पीछे कोई भी चेंज नहीं करते हैं, जिस नंबर को हमें ड्रॉप करना है अगर वो 5 के इक्वल है तो चेक करते हैं कि उसके पीछे वाला नंबर इवन है या ऑड है,
अगर ऑड नंबर लिखा हुआ है तो उसमें एक ऐड कर देते हैं, और अगर जिस नंबर को ड्रॉप करना है वो फाइव है और उसके पीछे वाला नंबर इवन है तो फाइव को ड्रॉप कर देते हैं और पीछे वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं करते। तो ये राउंड ऑफ करने का तरीका हो गया, किस तरीके से हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो ये डिस्कशन मैंने बोला सब कनेक्टेड है पूरा, और सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, तो हमें रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि रटी रटाई चीजें बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती। फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट अगर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, तो फिजिक्स बहुत आसान है, और अगर रटना शुरू कर दिया तो फिजिक्स इतनी बड़ी है कि पूरी रटी नहीं जा सकती। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आते हैं कोई रटे रटाए नहीं आते, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। इसलिए हम लोगों का भी स्टार्टिंग से ही मोटिव होना चाहिए कि हमें इसको समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो कोई बुक उठा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी पढ़ने में मजा आएगा, वो समझ में आएगा। लेकिन जब हम लोग फैक्ट रटने लगते हैं तो फिर हमारी फिजिक्स हमसे दूर भागना शुरू कर देती। तो अब जो अगला पार्ट है वो अगला पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स की अर्थमेटिक्स। मतलब जब फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहां ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो उस समय जो आंसर लिखना है वो कितने सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने बोला अगर चीज समझ में आती तो उसका रिजल्ट भी याद करना बहुत आसान होता है। अब सपोज मैंने तुमसे बोला कि मुझे एक रेक्टेंगल था और उस रेक्टेंगल की दो साइड्स को हमें ऐड करना था, तो मैंने दो साइड के मेजरमेंट लिए, एक साइड की लेंथ थी उसको मैंने लिखा 5.372 मीटर्स, रेक्टेंगल की दूसरी साइड की लेंथ मेजर की और वो आ गई सपोज 13.2 मीटर। जब कभी ऐड करना तो ये भी चेक कर लेना, ऐड हम तब कर सकते हैं जब यूनिट सेम, तब न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। हमसे बोला गया कि ए और बी को ऐड करो, ए प्लस बी, तो हम लोगों ने लिखा 5.372 एंड 13.2, इसको ऐड कर देते हैं। यूजुअली अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ऐड ऐसे करेंगे कि ये 2 लिखा हुआ है, ये 7, 3, 2, 5 और 5, 3, 8 और ये 1। यहां तो हमें डेफिनेटली पता है कि 0 लिखा हुआ है, ये लीडिंग जीरोस, हमारा मेजरमेंट यहीं से स्टार्ट होता है 5 से। लेकिन ऐसा लिखने में कुछ प्रॉब्लम है। अब ये प्लेसेस हैं, क्या हमें इस प्लेस की वैल्यू पता थी? नहीं पता। हम लोगों जो दूसरा मेजरमेंट किया है 13.2, तो डेसिमल के सिर्फ एक प्लेस तक मेजर किया है, डेसिमल के दूसरे प्लेस पर क्या क्या हो सकता है? अब मेजर नहीं किया है तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 5, 7 में से कुछ भी हो सकता है। तो जब हमें इस प्लेस की वैल्यू ही नहीं पता है तो हम लोग ये 2 तो नहीं लिख सकते ना, अगर यहां पर 1 होता तो ये 3 लिखा होता, तो इसमें फिर प्रॉब्लम है, इस वैल्यू को हम लोग सही से नहीं बता सकते। क्या दूसरे तीसरे प्लेस, इसके डेसिमल के बाद दूसरे प्लेस की वैल्यू पता थी? नहीं पता थी। तो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता था। तो जब इस प्लेस की वैल्यू नहीं पता है तो ये डिजिट भी तो सही नहीं हुई ना, इसमें तो डाउट है ना, कुछ भी हो सकता था, 7, 8, 9, 0, 10 मतलब। तो हम इस प्लेस की वैल्यू को भी नहीं बता सकते, लेकिन हमें यह पता था कि ये 3 लिखा है, 2 लिखा है, तो ये
5 होगा। तो जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट लिखते हैं वो डेसिमल के बाद कम से कम प्लेसेस में लिखते हैं, क्योंकि इन दो प्लेसेस की इंफॉर्मेशन तो हमें है नहीं। तो ये चेक करते हैं कि एक नंबर में डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3। दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो डेसिमल के केवल एक प्लेस तक आएगा, ना कि 3 प्लेसेस तक आएगा। तो जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो चेक करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम अपना आंसर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता कि मुझे एक नंबर ऐड करना था 2.576 और प्लस 3.3025678, तो क्वेश्चन आएगा कि डेसिमल के बाद हमें कितने प्लेस तक आंसर लिखना है। तो डेसिमल के बाद इसमें 3 प्लेसेस थे और इसमें डेसिमल के बाद 7 प्लेसेस थे, तो 7 प्लेसेस तक की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी, लेकिन 3 प्लेसेस तक की इंफॉर्मेशन होगी। तो हमें जो आंसर लिखना है वो डेसिमल के केवल 3 प्लेसेस तक लिखना है। अब जब हम लोग पेपर में कैलकुलेशन करेंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि हम इतने पार्ट को छोड़ देंगे। हम पहले अपना कैलकुलेशन ऐसे लिखेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वो आएगा 18.572, और हमें पता है कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो डेसिमल के सिर्फ एक प्लेस तक आना चाहिए। तो इसके बाद फिर हमें राउंड ऑफ करना है, और जब इस 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 18.6। अभी भी सीखा था कि जिस नंबर को हमें ड्रॉप करना है वो नंबर अगर 5 से बड़ा है तो उसके पीछे वाले नंबर में एक ऐड करना है। कुल मिलाकर के हमें जो आंसर लिखना है वो डेसिमल के एक प्लेस तक लिखना है, लेकिन पहले अपना सारा कैलकुलेशन मैक्सिमम अच्छा करना है, एरर्स कम से कम है। तो पहले मैक्सिमम नंबर तक कैलकुलेशन करना है, लेकिन जो आंसर लिखना है वो डेसिमल के लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है, और लॉ के अकॉर्डिंग इस केस में डेसिमल के बाद एक प्लेस तक। तो अगर हम लोग मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं तो उसका रूल क्या आ गया, उसका रूल आ गया कि जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं सबसे पहले हमें चेक करना है कि उनमें डेसिमल के बाद कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सपोज मैंने बोला मुझे 3 नंबर्स को ऐड करना है, और वो 3 नंबर थे 101.273, एक था 2.32 और एक था 1234.6। इन 3 नंबर्स को ऐड करना, तो इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, इसमें डेसिमल के बाद 1, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। तो इन इन सब में छोटा कौन सा, 1। इसका मतलब हमें जो फाइनल आंसर लिखना है वो डेसिमल के केवल एक प्लेस तक लिखना है, लेकिन पहले सब जोड़ना है फिर इसके बाद राउंड ऑफ करना है। तो आंसर आएगा यहां पर 3, यहां पर 9, 6392 1, 22448 331। लेकिन हमें आंसर डेसिमल के एक प्लेस तक लिखना है, तो इस वाली वैल्यू को हमें ड्रॉप करना है, और चूंकि जो ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में एक ऐड करना है, तो आंसर आएगा 1338.2। तो ये रूल तो आ गया एडिशन का, कि अगर हम लोग नंबर्स को ऐड करते हैं तो चेक करते हैं कि उन नंबर्स में डेसिमल के बाद कितने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और हम लोग जो अपना फाइनल आंसर लिखेंगे वो कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखेंगे। एडिशन का जो रिवर्स प्रोसेस है वही सब्सट्रैक्शन भी है, तो जो रूल एडिशन के लिए वैलिड है वही सेम रूल सब्सट्रैक्शन के लिए भी वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 9.27653 और इसमें एक नंबर कुछ मान लेते 239, ये नंबर था, और इसमें हमें एक नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, एक मेजरमेंट है 1416, इस नंबर को मैं सब्सट्रैक्ट करना। तो ऐसे यूजुअली हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां 3 आएगा, यहां पर 5, यहां पर 0, ये 4, ये 1, ये 5, ये 2 और ये 2,
लेकिन अगर गौर से देखते हैं, हमने यहां पर तो जीरो मान लिया था, लेकिन क्या जीरो? अब जो दूसरा मेजरमेंट है उस मेजरमेंट में डेसिमल के बाद केवल तीन प्लेस तक वैल्यू डिफाइन की गई, तो चौथे प्लेस की वैल्यू तो अनसर्टेन है ना, और पांचवे प्लेस की वैल्यू भी अनसर्टेन है, तो फिर इस बात को हम श्योरली तो नहीं कह सकते। इसका मतलब इन डिजिट्स, ये डिजिट्स श्योर नहीं है। तो इसमें डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस थे, इसमें डेसिमल के बाद पांच प्लेसेस थे, यहां पर डेसिमल के बाद पांच सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और यहां पर डेसिमल के बाद तीन। तो हमें जो अपना आंसर लिखना है वो डेसिमल के बाद केवल तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखना है। इसका मतलब इसे राउंड ऑफ करना होगा। तो जो हम लोगों ने अपना कैलकुलेशन किया वो आया 225.14053, लेकिन डेसिमल के तीन प्लेस तक आंसर लिखना है तो इसको राउंड ऑफ करना है, और जो राउंड ऑफ करना है वो नंबर है 5। तो अगर 5 है तो पिछला नंबर चेक करेंगे, तो ऑड तो नहीं, इसका मतलब इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये जो आंसर आएगा वो 225.140। तो जो रूल सब्सट्रैक्शन के लिए वही रूल एडिशन के लिए भी आ गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब नंबर्स को ऐड करते हैं या नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये चेक करते हैं कि उन नंबर्स में डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं, और कम से कम सिग्निफिकेंट प्लेसेस में अपना आंसर लिखते हैं। लेकिन जब पहले कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा करेंगे, और प्रॉपर राउंड ऑफ के रूल के बाद हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। तो ये जो डिस्कशन हो गया वो सब्सट्रैक्शन का और एडिशन का।